ये 20 वास्तु टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल देगी, एक बार ज़रूर देखिए। कई बार घर में बिना वजह के तनाव, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपसे रिश्तों में कटवाहट और उदासीनता आ जाती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य अपनाएं। नंबर 1, किचन का पत्थर काला न रखें। नंबर 2, भोजन रसोई घर में बैठकर ही करें। नंबर 3, भोजन स्नान करके ही बनाएं, इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। नंबर 4, घर में कोई रोगी हो तो एक कटोरी में केसर घोलकर उसके कमरे में रख दे, वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। नंबर 5, घर में ऐसे व्यवस्था करें कि वातावरण सुगंधित रहे और सुगंधित वातावरण से मन प्रसन्न रहता है। नंबर 6, घर में सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं करना शुभ होता है। नंबर 7, गेहूँ में नाग केसर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियाँ डालकर पिसाया जाना शुभ है। नंबर 8, घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर लगाना शुभ है। नंबर 9, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, तवे पर रोटी सेकने के पूर्व दूध के छिट्टे मारना शुभ है। नंबर 11, पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। नंबर 12, मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में न हो। नंबर 13, सूखे फूल घर में नहीं रखें। नंबर 14, संत महात्माओं के चित्र आशीर्वाद देते हुए बैठक में लगाइए। नंबर 15, घर में टूटी फूटी कबाड़ अनावश्यक वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। नंबर 16, दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में हरियाली से परिपूर्ण चित्र लगाइए। नंबर 17, घर में टपकने वाले नल नहीं होना चाहिए, घर में गोल किनारे के फर्नीचर ही शुभ है। नंबर 19, घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की गैलरी में या पूजा स्थान के पास रखें। नंबर 20, वास्तु की माने तो उत्तर या पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ होती है, इसलिए घर बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करना न भूलें। इसमें कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।